हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ सेफ्टी एंड हेल्थ का, यानी कि सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार TET2 में इससे क्वेश्चंस बनेगा। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि केंद्रक में कह रहा है। और दोस्तों, यानी कि केंद्रक में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और प्लस में यानी कि न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, यानी कि केंद्रक में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो नहीं होता है, प्रोटॉन होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। ठीक है, यानी कि सबसे हल्का कण पूछ रहा है हमको कि परमाणु का सबसे हल्का कण क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि सबसे हल्का कण है। परमाणु का सबसे हल्का कण क्या है दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया आयन, यानी कि सी में है न्यूट्रॉन और डी में दिया है प्रोटॉन। प्रोटॉन तो भारी होता है, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो यानी कि सबसे हल्का होता है। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश मान माना गया है। ठीक है, यानी कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है क्या माना गया है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, तो न्यूट्रॉन का भार नहीं होता है दोस्तों, ये न्यूट्रॉन का भार होता है और प्रोटॉन का भार, दोनों का यानी कि भार को यानी कि द्रव्यमान माना गया है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि दो आवेश के बीच का दूरी क्या कह रहा है, यानी कि दुगुना हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसके आवेश के मध्य लगने वाला बल, जो इसके यानी कि मध्य लग रहा है वो बल हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चार गुना यानी कि घट जाता है। क्या होता है? चार यानी कि घट जाता है। ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन ए में चार बढ़ना, तो बढ़ेगा तो कभी नहीं, दो का कोई जिक्र ही नहीं है, नहीं दो का यानी कि घटेगा नहीं बढ़ेगा। ये जो होगा दोस्तों यानी कि चार घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वैद्युत आवेश की SI मात्रक क्या है। किसका पूछ रहा है? वैद्युत आवेश का पूछ रहा है। और दोस्तों वैद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है यानी कि कूलम्ब होता है। क्या होता है? यानी कि कूलम्ब होता है। ऑप्शन किस में दिया है कूलम्ब? ऑप्शन ए में कह रहा है एम्पियर, एम्पियर तो धारा का होता है, वाट शक्ति का होता है, वोल्ट वोल्टेज का होता है, विभवांतर का। तो राइट आंसर की बात किया जाए कूलम्ब जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको मिलान करना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो सबसे पहले इस मिलावट में आपको यानी कि एक दो क्वेश्चंस को याद रहेगा, तो फिर भी यानी कि बाकी का जो है ना उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, तो वहाँ पे सही होने का संभावना रहता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, किसका खोज? इलेक्ट्रॉन का खोज। और दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आगे लिख दीजिए जे थॉमसन। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पे आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। किसका? प्रोटॉन का खोज जो किया था दोस्त, यानी कि रदरफोर्ड किया था। ठीक है, रदरफोर्ड किया था। अब देखिए दो से ही आप आंसर लगा सकते हैं, टिक कर सकते हो। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ए का जो है यानी कि ए का बी किस में दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का यानी कि रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जो बड़ा यानी कि चैडविक बचा। तो चलिए ए का दो, ऑप्शन ए में दिया एक का दो। ठीक है, बी का तीन, देखिए बी का कितना में है? तीन में है, तो चलिए बी का तीन। अब चलिए सी का किस में दिया है? एक में है सी का। देखिए न्यूट्रॉन का खोज जे थॉमसन तो एक में दिया है, तो इसीलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों को आप लोगों को यानी कि एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में हो लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फिर यही मिलान करना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव वाला होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव वाला होता है, न्यूट्रॉन जो बचता है यानी कि वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो यानी कि बी का एक में लगाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का यानी कि ए का तीन लगाइए और बी जो यानी सी में जो दिया है प्रोटॉन, प्रोटॉन का यानी कि दो हो जाए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यानी कि मिलान करवाएंगे
अब जो मिलान कराएंगे ए का यानी कि देखेंगे तीन किस में दिया है, तो देखिए ए का तीन यानी कि ऑप्शन सी में दिया है। अब चलिए बी वाला पे न्यूट्रॉन का एक दिया है, बी का जो दिया है दोस्तों यानी कि दो दिया है, क्या दिया है बी का, क्या दिया है दोस्तों बी का दो दिया है, लेकिन बी का न्यूट्रॉन 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 ये तो गलत दिया है इसमें। अब चलिए फिर से एक बार क्वेश्चंस पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन का खोज, किसका खोज, इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, क्या होता है 10⁻¹⁹ होता है। फिर से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर लिखिएगा 1.6 − 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है ना। ऐसा जो दिया है देखिए ऑप्शन अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चंस क्या है गलत है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो होगा दोस्तों यानी कि माइनस वाला हो जाएगा, प्रोटॉन का ये हो जाएगा, और यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों क्या होता है उदासीन होता है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन होता है। बी का लेकिन तीन किसी में नहीं दिया है ना, क्या बी का एक किसी में नहीं दिया है, बी का एक जो दिया है देख सकते हैं यहाँ पे दिया है शायद, ए का दो, ए का क्या है, ए का तो तीन है, ये भी गलत हो गया, ए का तीन लास्ट में है, बी का वन दिया है, ठीक है भाई। डी नंबर ऑप्शन पर ये डी में दिया है एक का तीन, ठीक है, बी का एक, बी का एक ठीक है, और सी का दो, सी का दो, चलिए ठीक है। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है ना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला बात था यानी कि कन्फ्यूज वाला बात था, लेकिन फिर भी यानी कि राइट आंसर जो होगा दोस्तों, अगर कोई भी कन्फ्यूज हो, अगर एग्जाम में आप लोग होते हैं तो वहाँ पे क्या कीजिएगा इसी प्रकार का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, वो लिख करके आसानी से टिक कर देना है ना, क्योंकि घुमाने वाला ये क्वेश्चन है ही, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बिहार TET में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का बिजली उत्पन्न होता है या विद्युत उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यानी कि रगड़ने से जो यानी कि विद्युत उत्पन्न होता है यानी कि स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है, क्या होता है, स्टैटिक विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है ना। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, गतिज विद्युत उत्पन्न नहीं होगा, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न देखते हैं, आज का आगामी प्रश्न है, 1 कूलम डैश के बराबर होता है ना, 1 कूलम पूछ रहा है, और दोस्तों यानी कि 1 कूलम जो बराबर होता है वो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्या होता है, एक सी बराबर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए में दिया है 6.25 × 10⁻¹⁰, तो 12 तो नहीं होता है, नहीं 10⁻¹० होता है, नहीं 10⁻¹५ होता है, ये जो होता है दोस्तों 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान होता है, है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान जो होता है वो हमको बताना है, और दोस्तों यानी कि वन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कह रहा है, वन इलेक्ट्रो, ठीक है, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वन इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वैल्यू होता है 3.3 × 10⁻¹⁰ होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से आवेश की प्रकृति के अनुसार निम्न में से कौन सा आवेश मान संभव है, यानी कि आवेश मान हमको कह रहा है कि कौन सा संभव है ना। तो आवेश हमेशा दोस्तों क्या होता है, यानी कि भिन्न में आवेश कभी भी हो नहीं सकता है, इसीलिए राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। इसके अलावा ये जो क्या है, ये भिन्न में दिया, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, लेकिन ये जो दिया है भिन्न में नहीं है, इसलिए ये जो होगा यानी कि इसका आवेश का मान संभव है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कौन सा, सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 96.9684 कूलम कितने फैराड के तुल्य होते हैं, है ना। देखिए दोस्तों आप लोग यानी कि बहुत सारे अगर पढ़े भी होंगे कहीं पर थ्योरी, तो यानी कि ये बताए होंगे कि 1 कूलम है ना, 1 कूलम बराबर 1 फैराड बराबर होता है, क्या होता है, इसको एफ बनाइएगा, है ना, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है, ये बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूज के लिए 96,000
96,484 दिया है, लेकिन कन्फ्यूज होना नहीं है क्योंकि ये भी जो है दोस्तों यानी कि एक फैरड के बराबर ही होगा। क्या होगा? एक फैरड के बराबर ही होगा। 96,000 कितना दिया है? 400 यानी कि 84 कुलम्ब दिया है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? एक फैरड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की इकाई क्या है? क्या दोस्तों यानी कि एप्सिलॉन का इकाई पूछ रहा है। दोस्तों एप्सिलॉन का इकाई जो होता है वर्ग कूलम्ब प्रति न्यूटन गुने वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग कूलम्ब, ठीक है, वर्ग कूलम्ब, और बट्टे में जो होता है दोस्तों यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू में यानी कि वर्ग मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है अवेश का एसआई मात्रक डैश तथा सीजीएस मात्रक डैश होता है। तो दोस्तों अवेश का एसआई मात्रक तो कूलम्ब होता है, पहले कूलम्ब को लिख लीजिए, ठीक है, कूलम्ब होता है, और सीजीएस में कह रहा है, और सीजीएस में दोस्तों ये जो होता है यानी कि अवेश का यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है कूलम्ब का सीजीएस मात्रक। तो ऑप्शन किस में दिया है कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक? ऑप्शन ए में दिया है कूलम्ब वोल्ट, तो कूलम्ब वोल्ट होगा नहीं। बी में है वोल्ट कूलम्ब, वोल्ट कूलम्ब भी नहीं होगा। सी में दिया है कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है आवेश का मापन निम्न में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? किसका मापन कह रहा है दोस्तों? यानी कि आवेश का मापन कह रहा है ना, आवेश का मापन कह रहा है। किसका? आवेश का। और दोस्तों यानी कि आवेश का जो मापन किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है इलेक्ट्रोस्कोप? ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा, तो इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसका माप नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफी के द्वारा भी नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न पे बात करते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन संदेव डैश में गति करते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों यानी कि गति करता है वो दीर्घ वृत्ताकार चक्र में गति करता है। कैसे गति करता है? दीर्घ वृत्ताकार चक्र में, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार चक्र में गति करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है अक्षीय चक्र, तो अक्षीय चक्र में नहीं गति करता है दोस्तों। ये जो यानी कि दीर्घ वृत्ताकार यानी कि गोल गोल घूमता है ना, यानी कि जैसे ये केंद्रक है और इसके यानी कि क्या होगा, यानी कि ऐसे करके घूमेगा, है ना, चालू और ऐसे करके घूमेगा, तो ये दीर्घ वृत्ताकार हुआ। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का अकीर्य आवेश मान डैश तथा मूल्य रूप से डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो मान होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन का कह रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो अकीर्य वैल्यू होता है वो 1.6 और गुना में 10^-19 और इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि ऋणावेशी होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेशी होगा, प्रोटॉन रहता तो धनावेशित होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेशी। तो ऑप्शन किस में दिया है ऐसा? ऑप्शन ए में है 9 वाला, तो 9 वाला को तो देखना ही नहीं है कहीं पे, चाहे ऋणावेशित हो या धनावेशित हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है दोस्तों यानी कि चार्ज जो होता है 1.6×10^19 कूलम्ब होता है ना। ऑप्शन सी में दिया 1.6×90-19 कूलम्ब तो दिया है, लेकिन धनावेशित है, तो धनावेशित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऋणा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी तत्व का एक परमाणु डैश के एक परमाणु से डैश भाग के तुल्य होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो तुल्य होता है वो हमको बताना है, और ये जो तुल्य होता है यानी कि C-12, ठीक है, C-12 और इंटू में 1/2 यानी कि 12वें भाग के क्या होता है, यानी कि तुल्य होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन संदेव प्रोटॉन के भार से डैश होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए पहले क्या होता है, पहले हम समझाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन है और एक ले लीजिए प्रोटॉन, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव वाला क्या होता है? बड़ा होता है। निगेटिव वाला क्या होता है? यानी कि छोटा होता है उसके अपेक्षा, यानी कि वैल्यू जो होता है यानी कि उसका कम होता है। भारी जो होता है यानी कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि हल्का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जब पूछ रहा है तो यानी कि प्रोटॉन से क्या होगा, 1840 गुना अधिक होगा, तभी ना उसके कंपेरिजन में यानी कि इक्वल हो सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ठीक करेंगे, 1840 गुना कम होता है। क्या? 1840 गुना कम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए
तो करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, संदेह प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना कम होता है, समझे। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न है, किसी भौतिक तत्व के लिए 1 kg का मान डैश होता है। किसका कह रहा है दोस्तों? 1 kg का। और 1 kg का जो वैल्यू होता है वो यानी कि 6.023 × 10⁻²⁶ amu होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आज का यानी कि सबसे पहला प्रश्न यानी कि सेफ्टी से, ठीक है ना, सेफ्टी एंड हेल्थ का है और इसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। इसका आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, यानी कि दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, तो सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करके दोस्तों इससे बचा नहीं जा सकता है। बी में है पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, इससे भी नहीं बच सकते हैं। सी में दिया है कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, तो एकदम बचा जा सकता है। डी में दिया व्यक्तिगत उपकरणों का पालन करके, इससे भी नहीं बच सकते हैं। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग करके मशीन का अच्छा से देख रेख करेंगे सेफ्टी के साथ तो क्या होगा, यानी कि दुर्घटना से बच सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मानव शरीर का प्रतिशत शुष्क होने पर क्या कह रहा है, यानी कि शुष्क कह रहे हैं, है ना, शुष्क कह रहा है। और दोस्तों यानी कि शुष्क होने पर यानी कि मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है यानी कि 70,000 से लेकर के यानी कि 1,00,000 तक होता है। कितना तक? 1,00,000 ओम होता है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 700 से 1,000, ये तो बहुत कम है भाई। बी में 70,000 से 1,00,000 ओम वर्ग सेमी के बीच होता है, तो राइट आंसर यही है, क्योंकि यानी कि सूखा में बहुत ज़्यादा यानी कि शुष्क होने का पर यानी कि मानव का शरीर में प्रतिरोध ज़्यादा होता है सूखा होने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आई नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युत में चालक और भूसंपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट, कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 500 वोल्ट के लिए वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों कम से कम जो है यानी कि कम से कम यानी कि 1 मेगा ओम इंसुलेशन प्रतिरोध अत्यंत जरूरी है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 मेगा ओम, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 मेगा ओम दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 मेगा ओम भी ज़्यादा है, 10 मेगा ओम भी ज़्यादा है, तो राइट आंसर 1 मेगा ओम होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इनमें से कौन सा अग्निशमन चालक बिजली आग के लिए अनुकूलित है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि बिजली आग के लिए। और दोस्तों यानी कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए या तो CTC का प्रयोग करेंगे कार्बन टेट्राकोलाइड या CO2 का प्रयोग करेंगे, और वो नहीं है ऑप्शन में तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों यानी कि हेलोन का प्रयोग करेंगे। किसका? हेलोन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है हेलोन दिया हुआ है, क्या है? हेलोन। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि इसका उपयोग करके बिजली से लगी आग को काबू पा सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झाग देंगे तो और ज़्यादा यानी कि भयानक आग का स्थिति बन जाएगा, तो इसका प्रयोग करेंगे नहीं। द्रव रसायन का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इससे भी आग का और विस्फोट हो सकता है, और पानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है फोम या झाग का तो कभी उपयोग करना ही नहीं चाहिए, कभी भी अगर बिजली से लगी आग तो उसमें यानी कि झाग का प्रयोग क्या है दोस्तों? नहीं करना चाहिए। बी पर लेते हैं यानी कि वाष्पीकरण तरल पदार्थ का, तो इसका भी प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। सी में है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, इसका तो करेंगे शुष्क चून का कर सकते हैं, है ना, शुष्क चून का क्या दोस्तों यानी कि कर सकते हैं, इसका हल्का किसका तो करेंगे ही, इसका नहीं रहने पर कर सकते हैं। देखिए अब बच रहा ए और बी, है ना, ए भी और बी भी बच रहा है, और दोनों में से अगर सेटेबल देखा जाए तो यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन से 1 नंबर देगा वो उसको हम टिक करते हैं, तो यानी फॉर्म और झाग का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में, ये अगर नहीं रहता, ठीक है, तो क्या मारते यानी कि वाष्पशील तरल प्रकार का इसका उपयोग नहीं करते, है ना, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न पे बात करते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है हेलोन अग्निशमन में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है, हेलोन में कह रहा है दोस्तों, और हेलोन में जो भरा होता है यानी कि BFC भरा होता है, क्या?
सॉरी BCF भरा होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन, है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कारा जल, तो जल को तो नहीं भरा जाता है। बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं भरा होता है। सी में शुष्क पाउडर भी नहीं भरा होता है। दोस्तों इसमें जो भरा होता है यानी कि ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है पीपी का फुल फॉर्म क्या है, है ना, पीपी का। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग अगर रहते तो यानी कि एग्जाम में अगर अच्छा से नहीं पढ़ते तो यहाँ पे इसी को मार के आ जाते, लेकिन ये क्या है दोस्तों यानी कि गलत है क्योंकि पर्सन दिया हुआ है। बी में दिया है पर्सनल परफेक्ट, तो परफेक्ट की कोई बात नहीं है, पर्सन परफेक्ट इसका भी कोई बात नहीं है। दोस्तों ये जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हो सकता था आप लोग अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अगर नहीं जाते एग्जाम में, तो हो सकता था अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता कोई भी शिफ्ट में तो ऑप्शन नंबर ए टिक करने का संभावना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया है लेकिन लोग सब जानते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव होता है तो यानी कि लास्ट में नहीं देखते लॉ को और क्या करते वहाँ आकर के मार जाते और एक नंबर वहाँ पर गंवा देते। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस किए हैं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और तब आंसर को टिक कीजिएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं, क्या A, B और C, ये दोस्तों यानी कि तीनों क्या दर्शाते हैं वो हमको बताना है। और दोस्तों हम बता दें आप लोगों को यानी कि ए जो दर्शाता है यानी कि ए और वे दर्शाता है, बी जो दर्शाता है ब्रीदिंग दर्शाता है, और सी जो दर्शाता है यानी कि सर्कुलेशन दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि वायु प्रणाली, और उसके बाद जो है वक्ष परिसर चरण, तो ऐसा तो नहीं दर्शाता है। बी में है वायु मार्ग, उसके बाद जिसको ए और वे कहा जाता है, बी और श्वसन ब्रीदिंग कहा जाता है, वक्ष जो है यानी कि चेस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसका भी उपयोग क्या करते हैं यानी कि इसका भी उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन सी में जो दिया है वायु मार्ग होता है, श्वसन होता है, परिसंचरण होता है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है, खतरनाक का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि खतरनाक का जो होता है ना, खतरनाक हमको यानी कि आकार बताना है किसका, यानी कि खतरनाक का। और खतरनाक का जो यानी कि चिन्ह होता है वो हम बना के आप लोगों को दिखाते हैं, त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है, है ना। और ऑप्शन किस में दिया है त्रिकोण, ऑप्शन ए में दिया गोलाकार, गोलाकार तो नहीं होता है, नहीं षष्ठभुज होता है, नहीं आयताकार होता है, ये जो होता है दोस्तों यानी कि त्रिकोण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न दिया हुआ है जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव होगा, समान के लिए कह रहा है दोस्तों, है ना, और विद्युत विभव की बात कर रहा है, किसका, विद्युत विभव का। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया है घटता है, तो घटेगा तो कभी नहीं भाई, और ये बी में कह रहा है कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में उतना ही रहता है जितना सतह पे है, क्योंकि दोस्तों वो भी तो आवेशित ही है, जितना वो अवेशित है उतना ही अवेशित है, तो इसमें यानी कि आने और जाने से कोई प्रभाव इस पर पड़ने वाला नहीं है इसके साथ जुड़े रहने से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए आगामी प्रश्न पे बात किया जाए, आगामी प्रश्न दिया हुआ है काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियंत्रण को निर्धारित करने वाला मुख्य कानून है, काम पे कह रहा है दोस्तों, और काम पे जो यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा नियंत्रण को निर्धारित करते हैं वो नियम हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि वो नियम जो होता है यानी कि 1974 स्वास्थ्य और सुरक्षा का नियम, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्य अधिनियम 1974 में स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिनियम, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कार्य समय नियमावली के तहत औसत प्रति यानी कि समाप्त कितने घंटे काम करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता हो सकती है, है ना। तो दोस्तों यानी कि इसका जो आवश्यकता हो सकता है वो लगभग यानी कि 48 घंटे है, क्या है, 48 घंटे हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है 48 घंटे, ऑप्शन बी में दिया है 48 घंटे, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है, है ना। निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ है ये दोस्तों यानी कि वो करने की जो किया जाता है गलत कार्य उसको मनाही का संकेत देता है,
ऑप्शन किसमें दिया हुआ है दोस्तों ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संकट अथवा भय, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा न करने को दर्शाता है। जो गलत कार्य करता है जैसे यानी कि धूम्रपान करके कहीं थूक देता है तो उसको उससे यानी कि ऐसा करने से मना करता है ना, यही जो है यानी कि निषेधात्मक चिन्ह संकेत करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया अनिवार्य चिन्ह का पृष्ठभूमि होती है, किसका कह रहा है दोस्तों अनिवार्य चिन्ह का होता है दोस्तों, यानी कि चिन्ह जो होता है यानी कि चार प्रकार का होता है, निषेधात्मक चिन्ह होता है, आदेशात्मक चिन्ह होता है, सूचनात्मक चिन्ह होता है, उसके बाद यानी कि चेतावनी चिन्ह होता है ना, तो ये चार प्रकार का होता है, इसमें अनिवार्य चिन्ह का हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि अनिवार्य चिन्ह का जो पृष्ठभूमि होता है नीली होता है ना, उसका जो पृष्ठ होता है क्या होता है यानी कि नीली होता है और उस पर जो सफ़ेद चिन्ह बना होता है, तो ऐसा जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है अग्निशामक को चलाने के लिए ध्वनि ध्यान में रखने वाले सरल कार्य याद करना, जिसमें यानी कि पी ए एस एस, इनमें ए का क्या अर्थ होता है, ए का अर्थ हमसे पूछ रहा है दोस्तों, और ए का जो अर्थ होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों ए का जो अर्थ होता है यानी कि निशान होता है, क्या होता है निशान होता है, ऑप्शन किसमें दिया है निशान, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीवन रक्षक सीपीआर पद्धति किस अंग से संबंध रखती है, यानी कि सीपीआर का आ रहा है दोस्तों, क्या सीपीआर, और दोस्तों यानी कि सीपीआर जो संबंध रखता है वो यानी कि फेफड़ा से रखता है, किससे यानी कि फेफड़ा से रखता है, किससे रखता है दोस्तों यानी कि फेफड़ा से रखता है, और साथ ही साथ यानी कि मस्तिष्क से रखता है, किससे रखता है सॉरी फेफड़ा से रखता है और हृदय से रखता है, किससे फेफड़ा और यानी कि हृदय से रखता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है फेफड़ा और हृदय, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है फेफड़ा और ए में दिया हृदय, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि डी में दिया ए और बी दोनों, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न दिया हुआ है दुर्घटना के बाद गोल्डन समय कितना माना जाता है, तो दोस्तों यानी कि दुर्घटना के द्वारा है ना, दुर्घटना के बाद यानी कि गोल्डन समय जो है यानी कि आधा घंटा, जैसे यानी कि 30 मिनट को सुरक्षित माना गया है ना, 30 घंटा के अंदर में ही अगर दुर्घटना होता है तो उसको कुछ होने का संभावना, या तो वो व्यक्ति मर सकता है वह जीवित हो सकता है, तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि 30 मिनट ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है विद्युत धारा से झटके के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है ना, विद्युत धारा के जो झटके लगता है तो कौन सा कारक जिम्मेदार है वो हमको बताना है, तो दोस्तों यानी कि झटका जो लगता है वो आवेश के कारण, किसके कारण आवेश के कारण, ऑप्शन किस में दिया है आवेश, ऑप्शन ए में दिया है धातु, परावैद्युत के कारण तो नहीं लगेगा, राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कारखाना अधिनियम बनाया गया है, कौन सा नियम कारखाना का रहा है, और दोस्तों यानी कि कारखाना जो बनाया गया है कारखाना अधिनियम वो कितना में बनाया गया है, तो दोस्तों यानी कि कारखाना अधिनियम जो बनाया गया है 1948 में बनाया गया है, ऑप्शन किस में दिया है 48, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट आंसर सॉरी सी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कर्मचारी कानून अधिनियम, उसे क्या था, उसे पिछला क्वेश्चन जो था इसे पिछला वाला वो कारखाना अधिनियम था, ये है यानी कि कर्मचारी, और कर्मचारी अधिनियम जो बनाया गया था दोस्तों वो यानी कि 1996 में बनाया गया था, कितना में 1996, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए। आज का अगला प्रश्न दिया है 5S है ना, 5S की अवधारणा में 3S का क्या यानी कि क्या अर्थ होगा, यानी कि 3S होता है ना, 5S कॉन्सेप्ट में यानी कि 5 जो यानी कि रूल होता है उसमें यानी कि हम को जो तीसरा जो रूल होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, और दोस्तों यानी कि तीसरा जो रूल है वो आपको यानी कि सीसो को दर्शाता है ना, ऑप्शन किस में दिया है सीसो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है 5S कॉन्सेप्ट की अवधारणा की मानकीकरण स्टेप्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज के जो अंतर्गत आता है ये कितना में आता है, कौन सा रूल में आता है वो हमको बताना है, और दोस्तों यानी कि स्टैंडर्डाइज जो आता है वो यानी कि स्टेप 5 में आता है, ठीक है, स्टेप 5 में, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टेप 5, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे, अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, साथ ही साथ नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।